हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम 19 नवंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जिसकी जो पीडीएफ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिलेगा जहाँ पे जाके आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन टॉपिक है हमारा हाल ही में आयोजित बेंगलुरु टेक समिट ट्वेंटी ट्वेंटी का मुख्य विषय क्या है ठीक है तो उसका मुख्य विषय है नेक्स्ट इज नाव ओके ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया है ठीक है बेंगलुरु टेक समिट भारत का प्रमुख टेक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम Uh, के तेईसवें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है ये इम्पोर्टेंट है पूछ दिया जाता है कि ये इसका कौन सा संस्करण है ठीक है तो इसका तेईसवां संस्करण है इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और स्विस कॉन्फेडरेशन के उपाध्यक्ष गाई पार मेलिन भी हिस्सा लेंगे ठीक है तो इनका नाम तो याद रखना ही कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जिनका नाम है स्कॉट मॉरिसन और इनका नाम भी याद रख लेना एक बार को ठीक है बाई चांस पूछ लिया जा सकता है इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य तौर पर कोरोना वायरस महामारी के बाद विश्व में सूचना टेक्नोलॉजी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों पर जो है डिस्कस किया जाएगा यानी कि विचार विमर्श विमर्श किया जाएगा ओके तो यहाँ से आप इसका जो है थीम याद रखना कि क्या थीम है इसका इस समिट का और इसमें कौन कौन भाग लेने वाला है और इसका संस्करण कौन सा है ये भी आप याद रखना होगी okay? सबसे इम्पोर्टेंट यही है नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की एक सौ जयंती के अवसर पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है कहाँ पर किया है तो वो राजस्थान में किया है ठीक है ये इम्पोर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सी जयंती थी एक सौ पचास एक सौ इक्यावनवीं ठीक है तो इसका अनावरण किया है उन्होंने राजस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है कहाँ पर किया है राजस्थान के पाली ज़िले में ओके स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टैचू ऑफ पीस विश्व में शांति अहिंसा और सेवा का सेवा की एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में गायों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए गौ कैबिनेट के नाम से एक नई समिति का गठन किया जाएगा तो यह मध्य प्रदेश ने ये जो है घोषणा की है कि वहाँ पर गौ कैबिनेट के समिति की आ, का गठन किया जाएगा और किसके लिए गायों के संरक्षण के लिए ठीक है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है गौरतलब है कि इस वर्ष की शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य में गौ हत्या को रोकने के लिए एक अध्यादेश पारित किया था इस अध्यादेश के तहत उत्तर प्रदेश में गाय की हत्या पर दस वर्ष तक की सज़ा और तीन से पाँच लाख रुपए तक का जो है जुर्माने का उसमें प्रोविज़न किया गया था ठीक है तो यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा लेकिन ये आप याद रखना कि किस राज्य ने ये पहल की है गऊ कैबिनेट वाली तो मध्य प्रदेश राज्य ने ओके okay? नेक्स्ट है मालावाड़ नौसैनिक अभ्यास 2020 के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है तो इम्पोर्टेंट है कि ये दूसरा चरण है अब बात आती है कि पहला पहली बात तो ये कहाँ किया जा रहा है ये जान लेते हैं ये किया जाएगा उत्तरी अरब सागर में ठीक है और पहला चरण जो हुआ था वो बंगाल की खाड़ी में हुआ था जो कि तीन से छः नवंबर तक हुआ था आयोजित ठीक है चलिए पहले इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है उत्तरी अरब सागर में मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी इसमें भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं जो है इसमें हिस्सा लेंगी ठीक है मालाबार अभ्यास का जो पहला चरण था वो मैंने आपको बता दिया बंगाल की खाड़ी में हुआ था वर्ष 2020 का मालाबार अभ्यास इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है यानी कि जो पहला चरण था उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं था ओके मालाबार एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन वार्षिक रूप से भारत जापान और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच किया जाता रहा है या फिर किया जाता है मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच वर्ष उन्नीस में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में की गई थी देखिए कब स्टार्टिंग की गई थी और किस किस कंट्री के बीच में ये शुरू हुआ था ये भी याद रखना वर्ष 2015 में इसमें जापान को शामिल किया गया तो यह एक त्रिपक्षीय अभ्यास बन गया ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अभी जो ये दूसरा चरण चल रहा है ठीक है तो इसमें कौन भाग लेगा यानी कि भारतीय नौसेना की ओर नौसे से अगर हम बात करते हैं तो विक्रमादित्य विमान वाहक पोत है वो हिस्सा लेगा और अमेरिकी विमान की अगर बात करते हैं तो उसका नाम है निमित्ज ठीक है निमित्ज वाहक पोत जो है वो हिस्सा लेगा और इसका पहला चरण मैंने आपको बता दिया है बाकी जो इसका दूसरा चरण है वो सत्रह से बीस नवंबर तक चलेगा ठीक है सत्रह से बीस नवंबर तक ये जो दूसरा चरण है इसका चलेगा इसका उद्देश्य ये है कि जो आपके ये चार लोकतांत्रिक देश हैं ठीक है इनके बीच में एक समन्वय अच्छे तरीके से हो सके समन्वय बढ़ाने के लिए दूसरा हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है उसमें एक आ, मतलब क, एक खुला जो समावेशी आधार है ठीक है उसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए आ, ये जो है अभ्यास किया जा रहा है यही उसका उद्देश्य है नेक्स्ट है वर्ष 2020 की ए टूर नंबर वन ट्रॉफी किसे दी गई है तो ये दी गई है नोवाक जोकोविक को ठीक है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक को 15 नवंबर 2020 को वर्ष 2020 के अंत तक विश्व का नंबर वन खिलाड़ी रहने के लिए एटीपी नंबर एटीपी टूर नंबर वन ट्रॉफी दी गई है इसके बाद ये छठी बार ये ट्रॉफी पाने वाले पीट संप्रास के बाद टेनिस इतिहास के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं ये जो दूसरा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है इसको याद रखना आप बाकी इनका नाम याद रखना कि इनको कौन सी जो है ट्रॉफी दी गई है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है अठारह नवम्बर को ठीक है भारत में हर साल अठारह नवंबर को एक दवा रहित प्रणाली के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है इसे निसर्ग चिकित्सा पद्धति भी कहा जाता है सबसे पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि यह हर साल मनाया जाता है ठीक है कुछ डेज ऐसे हैं जो कि दो साल में एक बार मनाए जाते हैं इसलिए ये इम्पोर्टेंट है इस दिवस की घोषणा आयुष मंत्रालय आयुष मंत्रालय द्वारा भारत आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अठारह नवंबर दो हज़ार अठारह में की गई थी यानी कि इसको दो हज़ार अठारह से मनाया जा रहा है ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट है एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया है देखिए एशिया का पहला है इसलिए ये महत्वपूर्ण है ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है और दूसरी बात भारत में किया गया है इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है तो एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभणी ज़िले में स्थापित किया गया है यह मिल एशिया का पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी ठीक है तो आज के लिए इसमें सिर्फ इतना ही है बाकी मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है आपको जो भी इम्पोर्टेंट था ये मालावार वाला जो है टॉपिक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसको आप याद रखना कि किस किस देश के बीच में हो रहा है कौन सा नया देश इसमें जुड़ा हुआ है ठीक है चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो